नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। प्रशासन द्वारा सीईटी परीक्षाओं के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों के ले जाने के लिए बनाया गया रूट चार्ट, यह कहना है हरियाणा रोडवेज भिवानी के महाप्रबंधक नेत्रपाल का। वहीं उन्होंने बताया कि 5 व 6 नवंबर को होने वाली इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को लाने व ले जाने में परेशानी से बचाने के लिए बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। वीरवार को भिवानी बस स्टैंड के GM नेत्रपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सीईटी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक ले जाने और वापस लाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय आ गया है। इसके लिए सभी परीक्षार्थियों को अपने एडमिट कार्ड की प्रति दिखाना आवश्यक है। सरकार द्वारा महिला परीक्षार्थियों के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी परीक्षा केंद्र तक ले जाने और आने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सहायक के लिए अपना परिवार पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है, जिसमें इसमें अभ्यर्थियों के साथ संबंध लिखा हो। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा परीक्षा केंद्र में प्रातःकालीन शिफ्ट के लिए प्रवेश का समय 8:30 बजे और सायकाल के शिफ्ट के लिए 1:30 बजे का निर्धारित किया गया है। इसलिए प्रशासन द्वारा परीक्षार्थियों को प्रातःकालीन शिफ्ट के लिए 7:00 बजे और सायकाल शिफ्ट के लिए 12:00 बजे संबंधित परीक्षा केंद्रों के नजदीक बस अड्डों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार वापसी के लिए संबंधित नजदीकी बस अड्डों से प्रातःकालीन शिफ्ट समाप्ति के परीक्षार्थियों के लिए 12:00 बजे से 1:30 बजे तक और सायकाल के शिफ्ट के परीक्षार्थियों की वापसी के लिए 5:00 बजे से 6:30 बजे तक बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। व्यवस्था ये की गई है जी, 5 नवंबर और 6 नवंबर को हमारी सरकार द्वारा जो है सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि 5 और 6 तारीख को होना है नवंबर की। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भिवानी आगार से 8 जिला मुख्यालयों पर हम जो है बसें सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि ये रूट हमारे होंगे भिवानी से हिसार, भिवानी से फतेहाबाद, भिवानी से गुरुग्राम, भिवानी से करनाल, भिवानी से कुरुक्षेत्र, भिवानी से महेंद्रगढ़, भिवानी से पानीपत और भिवानी से रेवाड़ी। इन बसों यहाँ लोग परीक्षार्थियों को ले जाने के लिए रोडवेज आगार की जो भिवानी आगार है, यहाँ से रोडवेज की बसेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बसेस और स्कूलों की बसेस, जो कि हमारे उपायुक्त महोदय के माध्यम से रिक्वेस्ट करवा के हमें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी RTA साहब जो भिवानी यहाँ से बिलोंग करते हैं उनके द्वारा, ताकि हम उनको सुचारू रूप से गाड़ियों को चलाकर परीक्षार्थियों उनके गंतव्य स्थान पर समय पर पहुँचाया जा सके। हमारे आधार से यानी कि भिवानी बस अड्डे से परीक्षार्थियों को ले जाने के लिए जो बसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, हमारा मोटो ये है कि हम सुबह पहली जो पाली होगी एग्ज़ाम की, यानी कि प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों का पेपर लिया जाएगा, जो पहली शिफ्ट होगी उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम 7 बजे से पहले पहले इन 8 जिलों के हेडक्वार्टरों पर हम परीक्षार्थियों को पहुंचा दें और दोपहर की शिफ्ट में इसी प्रकार से जो है समय से पहले इनको पहुंचा दिया जाएगा और जो बसेज जाएंगी इनको लेके उन्हीं बसेज में परीक्षार्थी वापस आएंगे यहाँ हेडक्वार्टर पर। इसके अलावा जो दूसरे जिलों से हमारे पास बच्चे आएंगे, परीक्षार्थी आएंगे, उनके लिए सकल सेवा प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसका हम रूट प्लानिंग वगैरह ट्रैफिक हमारे मैनेजर हैं श्री भरतपाल परमार जी, हमारे वर्क्स मैनेजर हैं श्री इंद्रजीत सांगवान जी, इनके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको फटाफट कंप्लीट करके ताकि हम अखबारों में भी दे सकें आज, और नीचे रजिस्ट्रेशन एडवांस बुकिंग का 8 कमी पड़ेगी। तो बसें जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले भी कि उपायुक्त महोदय भिवानी के माध्यम से बसेज जो है रिक्वेस्ट करवाई जाएंगी, जो कि स्कूलों की बसेज भी होंगी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसेज भी होंगी, जिनको रिक्वेस्ट करके हमारे RTA साहब जो हमें प्रोवाइड करवाएंगे, उनसे बात हो चुकी है, इस बारे में जो है डिस्कशन हो चुका है सारा का सारा। और जो टाइमिंग जैसा आपने पूछा, सुबह की जो शिफ्ट रहेगी मॉर्निंग की शिफ्ट, उसमें हम 7 बजे से पहले कोशिश करेंगे हर परीक्षार्थी को उसके गंतव्य स्थान पर, गंतव्य स्थान यानी कि जो उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ का एग्ज़ाम है वहाँ उनका पहुँचा दिया जाए, और दोपहर की शिफ्ट का उनको हम जो है कोशिश करेंगे कि 12 बजे तक हम उनको वहाँ पहुँचा दीजिए, हमारी यही कोशिशें रहेंगी और उसको हम पूरा करेंगे। हमारी टीम सुदृढ़ है, एकता है और हम इस प्रकार इसको पूरा कर देंगे। जैसे महिलाएं जाएंगी तो उनके लिए सर कोई एक्स्ट्रा बंदा साथ में जा सकता है फैमिली के साथ, फैमिली को कोई भी महिलाओं के साथ जो है पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र दिखाने के बाद एक व्यक्ति महिला कैंडिडेट के साथ वो उसमें ट्रेवल कर सकता है बस में, बाकी पुरुष
कैंडिडेट के लिए ऐसा प्रावधान नहीं। बीती शाम दादरी गेट के निकट कमला नगर में पानी को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में नीतू नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घायल महिला ने जिला प्रशासन से आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि गत 30 तारीख को दादरी गेट स्थित कमला नगर में गली में पानी को लेकर आपसी झगड़े में महिला को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद परिजनों ने महिला को तुरंत सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। वहीं जब इस बारे में घायल महिला नीतू से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दो पक्षों में सड़क पर पानी बिखेरने को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, जिसके चलते आरोपी द्वारा महिला को खुलेआम सड़क पर ही गिराकर उसके साथ लात घूसों से हमला किया गया। वहीं उनका कहना था कि वे पहले भी कई बार आरोपी की शिकायत पुलिस को दे चुके हैं, लेकिन आरोपी के व्यवहार में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं प्रशासन से अपना जो भी है कार्रवाई पूरी चाहती हूँ। मेरे साथ जो भी व्यवहार हुआ है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं घर की साफ सफाई करके बाहर पानी पिलाने आई तो दो दिन पहले इसके बाप ने मेरे साथ गाली गलौज करी, गुंडों से उठवाने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी, जिसकी रिपोर्ट मैंने एसपी को दी, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 30 तारीख को फिर इसके बेटे ने मेरे पे हमला किया, मेरी वीडियो बना रहा था, अश्लील वीडियो बना रहा था, जिसका विरोध मैंने किया कि मेरी वीडियो क्यों बना रहा। बोला मैं बनाऊंगा, पानी डाल के दिखाओ। तो साफ सफाई का पानी जैसे ही डाला मेरे बेटे पे हमला किया, मेरे पे किया, काम आ रहा, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी। और ये इंडियन नेशनल बैंक का कर्मचारी है पालवास में, नाम है इसका नकुल नीतीश शर्मा उर्फ नकुल। इसने एक औरत के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये झूठी एमएलआर दिखवा के हॉस्पिटल में पड़ा, इसको कोई चोट नहीं लगी। सर एक महिला के साथ मारपीट का मामला है, ये नीतू है जिसने 30 तारीख को कंप्लेंट दी थी कि उसका ही घर पड़ोसी है राधेश्याम, वो उनको गाली गलौज करता रहता है, और जो उसका लड़का है उसने उसको गालियां दी और उसके साथ मारपीट की। राधेश्याम का लड़का, राधेश्याम की पत्नी, दोनों ने मिलके उसके द्वारा दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। बहल कस्बे में स्थित बीआरसीएम संस्थान में बुधवार को एनसीसी के 8 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का शुभारंभ किया गया। कैंप के बारे में कमांडिंग ऑफिसर रजनीश मेहता व प्रशासनिक अधिकारी एनके झा ने बताया कि कैंप में एनसीसी के 500 के करीब कैडेट्स को मैप रीडिंग व हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहल स्थित बीआरसीएम में आयोजित एनसीसी के 8 दिवसीय कैंप में भाग ले रहे 500 कैडेट्स को बुधवार को मैप रीडिंग, हथियारों के रख रखाव व चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। कैंप का शुभारंभ 31 अक्टूबर को हुआ था, जो कि 7 नवंबर तक चलेगा। कैंप में पूर्व रिपब्लिक कैंप के लिए 12 यूनिटों से लगभग 70 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। वहीं आज कैंप में बेस्ट कैडेट का भी सिलेक्शन किया गया। प्रशिक्षण कैंप में कमांडिंग ऑफिसर रजनीश मेहता, प्रशासनिक अधिकारी एनके झा, सूबेदार मेजर राजेश ठाकुर, कैंप एजुडेंट कैप्टन अशोक कुमार, फर्स्ट एड ऑफिसर अर्चना गौड, सेकंड ऑफिसर नीता चौहान आदि ने कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर दिनेश कुमार, कृष्ण, ओम प्रकाश, शेखर जांगड़ा, पूनम रानी, अनिल कौशिक व ड्राइवर दिलेर सिंह आदि उपस्थित रहे। जिला परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार हरदीप नीमड़ी ने अपने चुनाव चिन्ह स्कूटर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। वहीं उन्होंने मतदाताओं को चुनाव जीतने के बाद हर संभव विकास करने का दादरी को भरोसा दिलाया। पंचायत चुनाव के चलते चरखी दादरी जिले के वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद उम्मीदवार हरदीप नीमड़ी द्वारा अपने चुनाव चिन्ह स्कूटर पर ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील विभिन्न गांव के लोगों से मुलाकात करते हुए और उन्हें अपने विचारों से रूबरू करवाते हुए की गई। वहीं जब इस बारे में हरदीप नीमड़ी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनका चुनाव चिन्ह स्कूटर पर ज्यादा से ज्यादा मत डालकर उन्हें विजयी बनाए। जिस प्रकार उन्होंने 5 साल तक बीडीसी में रहते हुए काम करवाया, इसी प्रकार अपने क्षेत्र का विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी। दादरी जिले में जिला परिषद बीडीसी के लिए आने वाली 9 तारीख को चुनाव करवाए जा रहे हैं, इसी के चलते आज उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया गया। गम्मा में बहुत भाई देखा, गम्मा में कोई गाड़ को नहीं बन रही, कितने खाचे हैं, कितने भी नो दिखा उड़ा, कितने पानी की व्यवस्था को नहीं, तो भाई सारी सुविधा उपलब्ध करवाई दी भाई। जितना मेरे को मान लो कितना गली की कमी थी, उड़ा गली बनवाई, कितना पानी तो कौन था हमारा डनका का नहीं भाई,
तोड़न खातर पानी की पाइपलाइन भी ले गया हमें भाई। देखो अगर गांव गुआंड मने जिला परिषद गया जता की चल लगा सीट, तो भाई मेरी कोशिश साहब आगे और बढ़ूँ, और मेरी कोशिश यार होगी भाई मैं हर गांव में जाऊंगा, उन गांव में मैं लिस्ट बनाऊंगा भाई के काम आपका गांव में के कमी है, और मेरी प्राथमिकता यह रहेगी भाई जिस काम ने मैं घनी जरूरत है जिसने भी जिस काम की वो मैं पहले कराऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश यह रहेगी भाई मैं सारे के सारे करवाऊंगा। बुधवार को रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी लंबित पड़ी 5 से 6 मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन व नारेबाजी की। इस अवसर पर संघ नेताओं द्वारा उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा गया। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने अपनी मुख्य मांगों को लेकर वीरवार को धरना दिया। वहीं धरने के दौरान रिटायर्ड कर्मचारी प्रधान मास्टर वजीर का कहना था कि जैसे कि आपको मालूम ही है कि देश में विकास को गति देने के लिए रिटायर्ड पेंशनर्स ने अपने जीवन काल का मुख्य भाग जनता की सेवा व सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में लगाया है। उन्होंने कहा कि इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सरकार भी उनकी समस्याओं और मांगों को लागू करने में अपना कर्तव्य निभाए। वहीं उनकी मुख्य मांगे हैं कि 65 वर्ष की आयु पर 10% और 70 वर्ष की आयु पर 20% पेंशन वृद्धि का लाभ सभी पेंशनर्स को दिया जाए। सरकार सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का उचित व पूर्ण प्रबंध करे तथा पेंशनरों का मेडिकल भत्ता ₹3,000 मासिक किया जाए। सभी पेंशनरों को पारिवारिक पेंशनरों पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए सहित अन्य मांगों को लेकर आज उनके द्वारा धरना दिया गया। साथ ही उनका कहना था कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी संघ द्वारा मीटिंग कर राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तरफ स्कूलों को बंद करना बंद करे, बंद करो, बंद करो। बोर्ड में हवाई जहाजों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।